आप इन अवसरों से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नए इनोवेशंस का रास्ता खुलेगा। साथियों, जब कोई देश नई सोच नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। एरो इंडिया का यह आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत के केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं। जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं, भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहां बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में C295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं, हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।